प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके e-learning हिंदी की कक्षा में। और आज हम लोग दूसरी कक्षा के व्याकरण का तीसरा पाठ जिसका शीर्षक है मात्राएं पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना था मात्रा क्या है। तो मात्रा क्या है बच्चों? स्वरों के निश्चित चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ स्वर लिखे हैं और उनकी मात्राएं लिखी है। ठीक है, अब आइए अपने पाठ्य पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 20 देखिए। हिंदी वर्णमाला के सभी व्यंजनों में औस्वर मिला होता है। जैसे आपको मालूम है सारे व्यंजन वर्ण में औस्वर मिले होते हैं। जैसे क में हलंत जोड़ और मिलकर बनता है क, उसी प्रकार ख में हलंत जोड़ और मिलकर बनता है ख, उसी प्रकार सारे व्यंजन वर्णों पर स्वर वर्ण मिले होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ है स्वर दी गई है, उनकी मात्राएं दी गई है और व्यंजन वर्ण क दी गई है और सारे मात्राएं उनके साथ लगकर क्या बना। जैसे क में हलंत जोड़ आ मिलकर क्या बना? का। ठीक है, का से एक शब्द बनाना है काम। ठीक है, क में हलंत जोड़ छोटी ई मिलकर बना की। ठीक है, ई से किताब। क में हलंत जोड़ बड़ी मिलकर बना की। ई से ईल। ठीक है, अब देखिए क में हलंत जोड़ छोटा ऊ मिलकर बना कू। कू से कूल। क में हलंत जोड़ बड़ा ऊ कू। कू से कूदना। ठीक है, क में हलंत जोड़ री मिलकर बना क्री। क्री से कृपा। ठीक है, क में हलंत जोड़ ए के। के से केला। ठीक है, क में हलंत जोड़ ए मिलकर बना कै। कैसे कैसा। क में हलंत जोड़ ओ मिलकर बना को। को से कोयल। क में हलंत जोड़ औ मिलकर बना कौ। कौ से कौन। ठीक है, इस प्रकार सारे स्वर की अपनी निश्चित मात्रा होती है। उसके बाद देखिए अन्य चिन्ह। अन्य चिन्ह में है अंग। अंग की चिन्ह किस प्रकार से होगा? ठीक है, यह। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं अनुस्वार की मात्रा। ठीक है, अब ये देखिए अंग, इसे हम लोग कहते हैं अनुनासिक। यह है अनुस्वार और यह है अनुनासिक। ठीक है, इसे एक एक शब्द बनाने में क्या होगा? कंगन और पंखुड़ी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ही तक। अगली कक्षा में हम लोग इसके अगले अंश का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।